हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि हैं खुशबू। उन्होंने FCI का एग्ज़ाम क्लियर किया है। FCI के एग्ज़ाम्स के अंदर भी कुछ स्ट्रीम्स थी जनरल या अकाउंट्स और फाइनेंस की, तो जो खुशबू ने क्लियर किया वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस का किया है। सी रमन लूथरा क्लासेस है वो अकाउंट्स और फाइनेंस, ये फाइनेंस साइड में ही स्पेशलाइज करती है। सो खुशबू खुशबू मेरे से कनेक्ट हुई थी NPS के एग्ज़ाम के लिए, और साथ में वो चर्चा, वो पर्टिकुलर जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था कुछ कि आपका कैसे हेल्प करना है एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए, फिर उन्होंने FCI के रिस्पेक्ट में भी मेरे से मॉक टेस्ट लिए और हम एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करते रहे, डिस्कशन करते रहे। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को पता था खुशबू कोई ना कोई एग्ज़ाम तो निकालेगी, तो पहला एग्ज़ाम उनका जो निकला है वो FCI का है। आई होप आगे जाके अभी NPS का भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, आगे जाके आपको SEBI भी देना है, तो वो सारे एग्जाम्स आप क्लियर करो। तो ठीक है खुशबू, यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताओ, एस्पिरेंट्स कैसे एक पर्टिकुलर एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम को अप्रोच करें, उनको समझाओ ये बात। ठीक है, ओवर टू यू खुशबू। थैंक यू सो मच सर फॉर सो नाइस कमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल ना यू हैव टू डिसाइड योर टारगेट। लाइक देर आर सो मेनी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल इन दी यू नो इंडिया, बट हमें पहले ये चूज करना चाहिए कि हमें किस वाली कंपनी अट्रैक्ट करती है। मतलब सी बैंकिंग इंडस्ट्री भी, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जॉब्स है, रेगुलेटरी बॉडी में है, या फिर आपका अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है या फिर मे बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो सब कुछ अलग अलग होता है। तो मेरे को लगता है पहले हमें ये चूज करना चाहिए कि हमें किस इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होगा और हम उसमें जस्ट कि मुझे जॉब करनी है ये करके लग जाएंगे, तो हम फिर दोबारा से स्विच करने की सोचेंगे। तो जैसे मतलब जब मैंने चूज किया था तो मेरे तीन टारगेट थे, सेबी, NPS और FCI। तो मैं इन तीनों को मैंने सोचा कि इन तीनों में से कोई एक क्रैक करनी है मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास सेबी की अपॉर्चुनिटी आई थी, पर बिकॉज आई हैड वेरी लेस टाइम, मतलब आई जस्ट गॉट 1 month ऑफ प्रिपरेशन ड्यू टू यू नो माई मतलब जॉब्स एंड एवरीथिंग। सो आई कुड प्रिपेयर फॉर ओनली 1 month, एंड ऑब्वियसली सेबी के लिए 1 month की प्रिपरेशन से तो नहीं होता है। ऑफ कोर्स इट डिमांड्स लाइक आई मीन आई कैन से अराउंड 4 to 5 months, मतलब मैक्सिमम 4 to 5 months तो चाहिए ही चाहिए। तो मतलब फिर वो नहीं कर पाई थी मैं QRE की वजह से, बिकॉज मैंने मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस उतना अच्छे से नहीं किया था। ऑल्दो मेरा पेपर टू में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, आई गॉट 80 out of 100, सो बट पेपर वन की वजह से आई कुड नॉट क्रैक। तो मुझे उस टाइम ये चीज समझ में आई कि हमें पहले कॉमन सिलेबस ढूंढना चाहिए जो सारे एग्जाम्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल QRE, मैथ्स रीजनिंग, GK, इंग्लिश, ये चार सब्जेक्ट ऐसे जो हर एग्जाम में आते हैं। तो पहले तो हमें इनको मतलब अपने सोर्सेज ढूंढ के इनको करके साइड कर देना चाहिए, तो हमारा एटलीस्ट प्री जो क्वालिफाइंग लेवल है वो खत्म हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मतलब इट मे बी इन फेज टू, लाइक सेबी फेज टू में हो सकता है वो एग्जाम, या हो सकता है साइमल्टेनियसली जैसे FCI में हुआ था। तो बेसिकली अब हम जब अपने कोर सब्जेक्ट पे आते हैं तो वो मोर और लेस सेम होता है फॉर एवरी एग्जाम, बीट सेबी, बीट NPS, बीट FCI, ऑलमोस्ट सेम रहता है। सिर्फ 10% का ऊपर नीचे होता है, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है। अब बात आती है हम उसको मतलब पहले इवेल्युएट करें। सो मेरे हिसाब से अगर हम अपने अकाउंट्स के पोर्शन की बात करते हैं तो वो हमारा मोटा मोटा 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है, अकाउंट्स, टैक्स, लॉ, ऑडिट एंड कॉस्ट FM, राइट। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में MCQ दिए हुए हैं अपने कोर्स में, हर एक सब्जेक्ट के इजी टू डिफिकल्ट वे में आपने बताया हुआ है, तो डेफिनेटली वो हमें हेल्प करता है कि एक तो हमें ये समझ में आता है MCQ करने से कि आपका कौन सा वाला एरिया बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। और जिस एरिया में आपको लगता है कि यार मेरे से 10 में से 5 MCQ हो रहे खाली, तो मतलब हमें उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो मैंने सिमिलर टेक्निक अपनाई थी, मैंने आपके MCQ कोर्स को लिया था और उसमें मैंने देखा, तो जैसे मुझसे अकाउंट्स बहुत अच्छे से हो गया था, मुझसे लॉ बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी डाले हुए थे आपने, मतलब इन डेप्थ एनालिसिस करके आपने बहुत अच्छे से फ्रेम किए हुए थे, और वही लेवल के सेबी के एग्जाम में भी थे और NPS के एग्जाम में भी थे। तो मुझे लगता है कि मुझे ये फील हुआ कि मुझे मैनेजमेंट पे थोड़ा और अच्छे से इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है। तो उसके लिए मैंने आपके लेक्चर्स भी देखे थे एंड मतलब देवर अमेजिंग, जो आपने टेक्निक्स बताई थी उसमें निमोनिक्स बताए थे और जिस तरीके से स्टोरीज बना बना के, क्रिकेट की स्टोरीज या ऐसे, तो आई फाउंड इट वेरी आई मीन वेरी गुड कि वो इजी टू रिमेम्बर है एंड मतलब आपको ना एग्जाम में एकदम से क्लिक कर जाएगा वैसा वाला। फिर मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में टफ लगा था, मतलब जो सेबी में भी था और इधर अपने NPS में भी था,
तो फिर इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने आपके लेक्चर देखे थे एंड वो एकदम लॉजिकली समझाए थे. यूजुअली क्या होते हैं, क्रैम करवा देते हैं कि ये ऐसे ही ऐसे, तो वो हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है. बट इन योर वीडियोज ना ऐसा नहीं था. एक बार ही लॉजिक से समझ लोगे तो आई थिंक फिर तुम्हें वो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. यू कैन जस्ट इजिली रिवाइज एंड जस्ट यू कैन गेट बैक द थिंग्स. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मतलब बाकी सब लोगों के लिए, इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं, तो मतलब वो भी हम दोनों का टीचिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम ही है कि हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं. ठीक है खुशबू, आपने मोटा मोटा तो सब कुछ बता ही दिया कि बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. आई होप, अगर अच्छा इसमें मैं आपसे एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि सी ए रमन उत्तरा क्लासेस से कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल था आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए. Yes, तो वो चीज़ थोड़ा सा सर, ये तो मेरे को बेस्ट जो चीज़ आपके यहाँ पे लगी ना वो थी कि पर्सनल गाइडेंस. मुझे लगता है कि कंटेंट के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं अगर, बट एक मेंटर होना बहुत बड़ी चीज है जो आपको ये बताए कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, राइट? तो आप obviously good content के साथ एक mentorship जो मिलती है ना, एक मतलब personal confidence increase करने के लिए, मैं आपसे continuously I think on daily basis मैं आपसे half an hour या एक घंटा बात करती थी. उसमें आप मुझे suggest करते थे कि आपको ये इस topic में ये पढ़ना है, इस पे ये focus करना है. अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो you used to guide me कि नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझो. You used to tell me the logics. खुशबू थी तो उस सेंटर में शी वाज लाइक, मतलब एग्जाम देने के बाद सबको उन को फील होता है कि यार बहुत मैंने एग्जाम दे दिए हैं, अब मैं वापस प्राइवेट सेक्टर में जाने की आप बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में वापस चला जाती हूँ. आपने मेरे को बोला कि कुछ लिंक्स लगा के बिग फोर में बातचीत करके कुछ करते हैं, आप सोच रहे थे, बट स्टिल वो अपना एग्जाम देती रही और मतलब वो जो अपना प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करती रही. एंड आई होप आप अभी भी कंटिन्यू करते रहोगे, आगे और भी एग्जाम्स को देते रहोगे. तो और कुछ आई गेस मेरे हिसाब से तो नहीं, आपने सब कुछ बता दिया. बाकी स्टूडेंट्स को अगर आपसे कनेक्ट होना होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप अवेलेबल रहोगे. ये चीज़ ये रमन लूथरा क्लासेस इंश्योर करता है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियर करते हैं, हम कहते हैं आपको आगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स की हेल्प करनी है किसी भी वे में आप कर सको. ठीक है, चाहे वो भी सेबी ग्रेडी की जो ऑफिसर्स है वो भी सारे अवेलेबल रहते हैं अगर मैं बोलता हूँ तो. ठीक है, तो आज का इंटरव्यू हम यहीं पर खत्म करते हैं. आपको और कुछ ऐड करना तो आप कर सकते हो, बाकी तो मेरे हिसाब से आपने सब कुछ बोल ही दिया. बस मुझे एक चीज़ ये बोलनी है कि अपना ना डेडिकेशन फुल रखना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एकदम होप छोड़ दो, आप दोबारा से प्राइवेट की तरफ भागने लगो. ऐसा नहीं है, मतलब इट टेक्स टाइम. तो आप 3-4-5 एग्जाम दोगे तो हो सकता है पांचवा एग्जाम आपका निकलने लगे या हो सकता है पहले ही निकलने लगे. तो मतलब ना आप एकदम पास में होते हो अपने टारगेट के और एकदम पीछे हट जाओगे तो फिर आप गए. एंड ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है इस एज में, मतलब बिटवीन आई थिंक 26 to 29, ये जो 3 साल होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं हमारे लाइफ के. अगर हमने इसमें कुछ कर लिया जॉब का अपना, तो आगे की पूरे 40-50 साल सिक्योर है हमारे. अदरवाइज वही प्राइवेट जॉब्स एंड ऑल, मतलब वही सुबह के 7 से रात के 10 बजे तक पूरा लगना, सैटरडे संडे भी गॉन. तो मुझे लगता है कि अगर आप 4-5 एग्जाम भी नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, आप ट्राई करते रहो, डेफिनेटली एक ना एक एग्जाम तो यू विल क्रैक. तो बस यही है कि डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन की. मतलब थैंक्स अ लॉट खुशबू, आपने बहुत कैंडिडली सब कुछ बताया. ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर द इंटरव्यू. कुछ बात होगी, कुछ एस्पिरेंट्स आपको कनेक्ट करना होगा तो मैं उनको आपसे कनेक्ट. ओके, चलो ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय.